और देखो प्लीज आप इस बात पे मुझसे झगड़ा मत करना और ना ही बहस करना। और वैसे भी जो वादे इंसान की तरक्की की राह में रुकावट बने ना इमन, उनको तोड़ देना ही बेहतर होता है। पता नहीं कैसे, उसको तो शायद याद भी नहीं कि उसके माँ बाप जिंदा भी, परदेश निकल गया उसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, पागलों की तरह मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, जान अटकी हुई थी मेरी। तो किसने तुम्हें कहा है वहां बैठ के परेशान होने को? वापस आओ और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। अरे तुम कब आई? बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम इतना उदास क्यों हो? सब ठीक है। मामा आप ठीक कहती थी, माफ कर देना और सिला रहमी करना बहुत बड़ी नेकी है, और आज मैं माफ करके आई हूँ, सिला रहमी करके आई हूँ, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसे जैसे नफरत की आग मेरे अंदर से बुझ सी गई है। तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ मैं आसिम चाचा से मिलने गई, बहुत दुख हुआ उनके हालात देख के। मम्मी को एहसास करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, माँ बाप मजबूर है बच्चों से प्यार करने के लिए, मगर बच्चों पर लाजम नहीं कि वो माँ बाप से प्यार करें। औलाद की तरबियत माँ बाप का इम्तहान होती है, कोई पास हो जाता है और कोई फेल। तुम कब मिली आसिम से? वो वहाँ में जॉब इंटरव्यू लेके गई थी ना, तो वहाँ आसिम चाचा। जॉब? तुम जॉब करोगी? जी मैं जॉब करूँगी, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है? मामा एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ हर कोई मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहा है, तुम जॉब करोगी क्यों करोगी? मतलब ऑब्वियसली मैंने डिग्री ली है, इतनी तालीम है मेरे पास, मैं उसको ऐसे वेस्ट कर दूँ? लेकिन तुम्हें तो इबाद के पास जाना है। अभी तक नहीं जा सकी मामा, और मुझे नहीं लगता मैं आगे भी जा सकूँगी। हिम्मत नहीं हारते, मायूस नहीं होते, इंशाल्लाह जाओगी। मामा मैं मायूस नहीं हो रही, मुझे बाहर सेटल होने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस बात के साथ रहना है, बस वो वापस पाकिस्तान आ जाए, हम मिलके अपना फ्यूचर ठीक कर लेंगे। ठीक कह रही हो तुम, अगर मेरे पास डिग्री होती ना तो मैं भी तुम्हारे बाबा का हाथ बटाती, वो अकेले सारा बोझ लेकर नहीं चलते। खैर आज मैं भी बहुत खुश हूं, यही तो बात करना चाह रही थी तुमसे, अच्छा हुआ तुम्हारे आसिम से खुद ही मुलाकात हो गई। मैं सोच रही थी अमन, अगर हम नौशी और आसिम को दोबारा घर वापस ले आए। नासा ये क्या खिलौने सब जगह पड़े हो, इसके कमरे में ले जाओ ना, क्या करती हो? वालेकुम सलाम। कैसे है आसिम, तंग तो नहीं किया इसने ज्यादा? नहीं जी बिल्कुल नहीं। लाओ मुझे दे दो। तंग तो नहीं किया था तुमको? जॉब मिल गई? जी वो 15 से जॉइनिंग है। चलो मुबारक हो। आंटी आंटी वो मैंने आपसे सुबह बहुत रूढ़ी बात की, आई एम सो सॉरी। असल में कभी कभी बहुत तल्ख हो जाती हूँ,
आप माँ है ना, जैसे मामा पे कभी गुस्सा हो जाती हूँ, आप पे भी हो जाते हैं। आप इबाद को भी तो माफ कर देती ना, प्लीज मुझे भी बेटी समझ के माफ करते। कोई बात, तुमने मुझे अपना समझा, अच्छा लगा। जाओ इबाद को फोन करो और जॉब के बारे में बताओ। जी मैं अभी कर लेती हूँ। चले कमरे में, चले चलो। अच्छा चलेंगे भाई। थैंक यू भाई। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं एमन का, भाभी का, सबका ख्याल रख लूंगा मैं। स्कूल का बहाना बनाकर पता नहीं कहां कहां मौज मस्ती हो रही है अपने नए कजिन मुबशर भाईजान के साथ। मेरा तो खून खोल रहा है अम्मा। आसिम, आज से घर हम सबका है। लेकिन भाभी, ये घर तो आपका नहीं। नौशीन, तुम्हारा, मेरा, आसिम का और जैद हम सबका है। और आज से इस घर की जिम्मेदारी आसिम पर है। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी आसिम, भूल जाओ पुरानी बात। भाभी, हमने आपको समझने में बहुत वक्त लगा दिया। अच्छा ये बातें छोड़ो, आज तो इतने दिन बाद हम सब एक साथ। आज अंदर आज आप, अच्छा जी। हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ बस वो अपार्टमेंट शिफ्ट कर रहा हूँ ना, और साथ जॉब भी इन्हीं कामों में बिजी हूँ। तुम बताओ तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ठीक। वीजे का क्या बना? बस थोड़ा सा और है, मन ज्यादा नहीं है। इबाद कितना और टाइम? मुझे तुम बता दो कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तुम एक ही राग लाप रहे हो। टाइम दे दो, अभी थोड़ा पेशेंस कर लो, सबर कर लो, हौसला करो। मैं अब थक गई हूँ बात, मुझे कुछ नहीं पता तुम वापस आओ। देखो एमन, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, सब कुछ सह रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। तो किसने तुम्हें कहा है सहने को, किसने तुम्हें कहा है बर्दाश्त करने को? मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, ऐशो आराम दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो बात। अपने बच्चे का बाप चाहिए। जानते हो तुम उसके साथ नहीं होगे, यहाँ नहीं होगे। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे ये चीजें फील नहीं होती हैं? क्या मैं इन लम्हों को एंजॉय नहीं करना चाहता? मेरा कितना दिल चाहता है कि मैं भी वहां पर मौजूद हूँ, लेकिन मजबूरी है ना, मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। किसके लिए कर रहा हूँ? एसन के ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ना। तुम क्यों नहीं समझती हो ये सब कुछ? है कल किसने देखा है बात, जो आज है वही असल है, बाकी सब धोखा है, फरेब है। तुम प्लीज वापस आ जाओ। देखो अब तो मुझे भी इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। तुम्हें भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, तुम्हारे पास तो बाहर का एक्सपीरियंस भी है। तुम बस प्लीज वापस पाकिस्तान आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने इतनी मेहनत करके एग्जाम में टॉप किया और छुट्टियों में पाकिस्तान भी नहीं आ सका, अब रिवॉर्ड मिलने का टाइम आया, तुम मुझे कह रही हो कि मैं जॉब छोड़ दूं? मेरी दिमाग खराब है ना, मैं घर वालों से यहाँ दूर बैठा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घर वापस आ जाऊं। हेलो लक्ष्मी,
गो होम, चलें जी घर चलें। ए एसन बाबा आ गया, एडमिशन हो गया एसन बाबा का? जी एडमिशन तो हो गया है, लेकिन 4-5 महीने बाद जाने हो। चलो आस्था इसका जरा हाथ मुझे ला दो, बहुत भूख भी लगी है वैसे। चलो जी वो आंटी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, सुबह से कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उनकी तबीयत को? मालूम नहीं। अच्छा चलो तुम इसका हाथ मुंह धुलाओ और इसका दूध भी बनाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ जी। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ आपको? बताओ प्ले स्कूल का इंटरव्यू कैसे गया? इंटरव्यू अच्छा गया, अच्छा स्कूल है, ऐसे खुश रहेगा। सबके पेरेंट्स आए हुए थे। बेटा इबाद को अगर छुट्टी मिलती ना तो वो जरूर आता। नासरा बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं ऐसे ही थोड़ा सा बुखार है। ठीक हूँ मैं, तुम परेशान मत हो। आंटी आपको तो बहुत तेज बुखार है, चले आप उठे मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मैंने दवाई खा ली, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। और अगर दवा से आप ठीक ना हुई तो? आंटी मौसम भी बदल रहा है, आपका चेकअप लाजमी है, आप प्लीज उठे हम हॉस्पिटल जाते हैं। चले शाबाश। नहीं तुम अभी थकी टूटी आई हो, अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ेगा। आंटी सब हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नासर से कह देती हूँ एहसन को खाना खिला देगी। आप तैयार हो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? मैं बस 2 मिनट में आई फिर हम निकलते हैं, प्लीज हमने जाना है। सारा बोझ इस बच्ची पे आ गया है, अपनी जिद में। मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया? अपने बच्चे को मुकाबले की दौड़ में डालकर इसे तन्हा कर दिया मैंने। सारे मेहमान आ गए हैं, खाना लगवा दूं? मेरे ख्याल से तो लगवा देते हैं, औरतें भी इंतजार कर रही हैं। हाँ ठीक है आसिम, तुम अपना ख्याल तो रखो, कब से यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ फिरते जा रहे हो, इतना काम कर रहे हो। मुबशर भाई इसने तो सारी मेरी जिम्मेदारी ले ली। जी मुझे नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी बात। मगर इसको डॉक्टर ने रेस्ट करने को भी कहा है, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे आसिम तुम। मुबशर भाई वक्त ने कभी मौका नहीं दिया, लेकिन जो मैंने आप शक किया था उसके लिए बहुत शुक्रिया। आसिम नो हार्ड फीलिंग्स, भूल जाओ उसको। भाभी ये छोटा सा तोहफा मेरे और आसिम की तरफ से। नौशी इसकी भाभी प्लीज आप इनकार नहीं करेंगे? अच्छा तो फिर खुद अपने बेटे और बहू को दे दो। अच्छा मैं देख कर आई। अरे आसिम साहब आइए जनाब, आप दूल्हा के बड़े हैं, मंगनी की रस्म शुरू कीजिए, वो आपकी जगह है। आप आओ आसिम। चले मामा देर हो रही है। तुम्हारी सास क्यों नहीं आई है? वो मामा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपको बहुत मुबारकबाद दे रही थी। चले ना आप देर हो रही है।
एमन मुबारक हो जैद की मंगनी के लिए। शुक्रिया। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? किस बात की मुबारकबाद? बात पक्की हो गई है। ज़ुबैदा मामी ने बताया नहीं तुम्हें? हाँ बताया था मामा ने, वो असल में बात यहाँ नहीं है ना। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। थैंक यू। दुबई में एक साथ काम करते हैं, कलीग है वो मेरी। तुम्हें पता है मेरी ट्रांसफ़र पाकिस्तान हो गई है, और अब वो भी कोशिश कर रही है कि उसकी ट्रांसफ़र भी पाकिस्तान हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता चला था कि इबाद अभी भी लंदन में है। हाँ वो दरअसल वो इबाद कोशिश कर रहे हैं मुझे अपने पास बुलाने की, बस बहुत जल्द में। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो हमने सोचा हो, बल्कि अक्सर वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। एमन कितनी प्यारी लग रही है दोनों माँ बेटियां माशाल्लाह। मियाँ नहीं आया तुम्हारा वापस? नहीं पप्पू, वो नहीं आ सके। जहाँ तक मुझे याद है एहसन भाई जब मस्कत में हुआ करते थे तो ज़ुबैदा भाभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ करती थी। जब शौहर साथ ना हो तो औरत का दिल कहाँ करता है तैयार होने को। याद नहीं ज़ुबैदा भाभी आलिया की शादी पे? वो जमाना और था पप्पू, औरतों को अपने लिए भी तो तैयार होना चाहिए ना। और वैसे भी मेरी सास दादी जैसी नहीं है, उन्हें अच्छा लगता है मैं अपने लिए तैयार हूँ। सलमान से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी। सलमान ने बताया होगा कि भाई बात पक्की हो गई है सलमान की माशाल्लाह से। तुमने तो उससे शादी करने के लिए इसलिए इनकार किया था कि वो बाहर जाकर जॉब कर रहा है, और अब देखो वापस आ गया है, मंगनी भी हो गई है, और जिसकी खातिर तुमने मना किया वो अभी तक इंग्लैंड में है। किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। जिसकी खातिर तुमने मना किया वो अभी तक इंग्लैंड में है। किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। हेलो एमन, खैरियत है? इतनी रात को फोन? तुम वापस आओ, फौरन वापस आओ। एमन सब खैरियत है ना? कुछ खैरियत नहीं है, तुम फौरन वापस आओ। क्या हो गया तुम्हें एमन? ये कोई वक्त है ये बात करने का? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ऑनेस्टली अब मैं थकना शुरू हो गया इस जुमले से। कुछ नहीं हुआ, अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो मुझे तलाक दे दो। क्या तुम होश में तो हो? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम मुझे वहां बुला नहीं सकते, खुद तुम यहाँ आ नहीं सकते, तो ऐसी शादी का क्या फायदा? एमन तुम शादी कर लो वहाँ किसी और से, और मुझे भी इस खोखले ताल्लुक से ना आजाद कर दो। तुम क्योंकि मैं अब तुम्हारे नाम के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तलाक चाहिए मुझे, जल्द फैसला करो। एमन तुम एमन मेरी बात इस बार तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, हो सके तो वापस आ जाओ। मैं डरने लगी हूं इमन की तन्हाई से।
मैं उसे दूसरी जुबैदा बनता नहीं देख सकती। किसी को नाराज ना सफर पे नहीं भेजना चाहिए। खास्ता अगर कुछ हो गया उसे तो। आंटी हाँ, मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, कोई चीज मंगवानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रस्ते से ले लूंगी। नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। चलो ठीक है, फिर मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ए बात, तुम? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वो हेमंत क्या हाल है? ए बात, तुम यूं इतला किए बगैर? क्या मतलब है? आप लोग मुझे देख के खुश होने के बजाय उदास हो गए हैं। भाई सरप्राइज भी किसी चीज का नाम होता है कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आ गए। घर तो सुनसान हो गया था तुम्हारे बगैर, और आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। सामान कहाँ है तुम्हारा? सरप्राइज देना था ना, मैंने बाहर ही रख दिया गेट पे। नासरा इबाद आए, जरा सामान बाहर से ले आओ। अच्छा आंटी, मैं ऑफिस के लिए चलती। क्या मतलब है? उसका शौहर इतने दिनों बाद आया और ये ऑफिस जा रही है। कॉल करके कोई एक्सक्यूज करो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद मी। और ये एहसन कहाँ पर है? कमरे। मैं एहसन को देख लूंगा। कर लो ना कॉल। क्यों, अचानक कैसे आना हुआ? ज़ाहिर है तुमने धमकी ऐसी दी थी, बिल्कुल डर गया था मैं। इतनी खौफनाक धमकी दी थी तुमने, मुझे पहली अवेलेबल फ्लाइट पकड़नी पड़ी और मैं फौरन आ गया यहाँ पर। बहुत मिस कर रही थी मुझे, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मिस कर रहा था। खुश हो ना आप? हाँ बहुत खुश। आज के बाद ऐसी बात मत करना, बहुत बुरा लगा था मुझे, पूरी रात सो नहीं पाया था। तुम एक रात नहीं सो पाए बात, मैं तो चंद सालों से नहीं सो पाई, इसलिए तो आ गया हूं मैं। बहुत मुश्किल से मैनेज किया, सिर्फ एक महीने की छुट्टी मिली है मुझे। क्या मतलब, तुम एक माह की छुट्टी पे आए हो? हाँ, और वो भी बहुत मुश्किल से। फर्म नहीं है ना इसलिए। अगर तुम्हें एक माह के बाद चले ही जाना था तो वापस आने का तकल्लुफ क्यों किया? एमन क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी खातिर आया, अपने बच्चे की खातिर आया? नहीं, तुम मेरे यहाँ एहसन की खातिर नहीं आए, तुम सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से आए हो, ताकि तुम खुद को तसल्ली दे सको कि तुम एक अच्छे बाप और शौहर हो। हमारे लिए वापस नहीं आए बात, अपने लिए आए। What's wrong with you? तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ कितनी मुश्किल से मैनेज किया और तुम ये बता रही हो मुझे? अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना, तुम रिजाइन करके आते, यूं एक माह की लीव लेके ना। क्या मतलब है तुम्हारा रिजाइन कर दूं? तुम जानती हो वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे? तुम लोगों की जुदाई बर्दाश्त की है मैंने, 24-24 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठा रहता था, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं रिजाइन कर दूं? बस तुम अब नहीं जाओगे, मैंने कह दिया तुम अब नहीं जाओगे, और अगर तुम जाओगे तो क्या? एहसन को स्कूल आज मैं छोड़ाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, एक माह बाद भी तो मैंने ही उसे छोड़ना है ना, तो अभी भी मैं ही छोड़ाऊंगी, उसकी आदतें मत खराब करो। क्या हुआ, झगड़ा हुआ है? वही पुरानी रट अम्मी, के वापस आ जाऊं मैं। तो तुमने क्या कहा? कैसे आ सकता हूँ अम्मी मैं वापस? इतनी मेहनत की है मैंने, इतना टाइम, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, अब तो जॉब भी बेहतर मिल गई है,
और वीजे का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर ले वो, लेकिन वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। इतने अरसे से वो सब्र ही तो कर रही है, गलत नहीं है वो? ये आप कह रही हैं? हाँ मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उसकी उदासी, उसका अकेलापन महसूस किया है, उसका बोझ महसूस किया है, और सबसे ज्यादा उसकी अच्छाइयों को महसूस किया है। और इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस मुकाबले की दौड़ में शामिल किया, शीमा रोहेल से आगे निकले का मुकाबला, उनसे आगे बढ़ के कुछ करने का मुकाबला। क्या करें, माएँ होती हैं ऐसी हैं, वो हमेशा चाहती हैं कि उनके बच्चे हर मुकाबले में, हर दौड़ में ना अव्वल नंबर पे आए, और अगर बच्चा हार भी जाए ना, माँ के दिल में बच्चे की पोजीशन कभी कम नहीं होती। लेकिन बच्चे के दिल में एक डर सा, एक खौफ सा पैदा हो जाता है हारने का। बेटा असल मुजरिम मैं हूं तुम्हारी, मैंने ही तुम्हें इस रास्ते पर लगाया। तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन से ना अपनी सेकंड पोजीशन का दाग मिटाना चाहती थी। सुहेल का घर बचाते बचाते तुम्हारा घर तोड़ने जा रही थी मैं। बेटा मैं ना तुम्हें अपने काबू से आजाद करती हूँ, बस मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ, घर लौट आओ। नहीं अम्मी आप ऐसा मत कहें, आप मुझसे माफी ना मांगे, आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, बल्कि आपके ख्वाबों, आपकी ख्वाहिशों ने तो मुझे आगे बढ़ने, तरक्की करने का हौसला दिया। और रेमन के लिए आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे, समझा दूंगा। क्या जरूरत थी आने की, मैं खुद ही के साथ आ जाती। जब मैं मौजूद हूँ तो तुम्हें किसी और का एहसान लेने की क्या जरूरत है? वैसे यहाँ पर कितनी मट्टी और कितनी भूल है, आई मीन गला तो खराब हो ही चुका है, लगता है पेट भी खराब हो जाएगा। आ जाओ प्लीज सिट डाउन। वैसे एमन आज सुबह तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है, शोहर तुम्हारा परदेश से आया है और तुम ऑफिस चली गई हो, छुट्टी नहीं ले सकती थी आज? छुट्टी नहीं मिल सकती, जब आंटी बीमार हुई थी तो मैंने काफी लीव्स ले ली थी। वैसे तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है, आई मीन मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ ना, और तुम्हें भेज भी देता हूँ वहाँ से, फिर भी वो बात क्या, मेरा तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ पैसों का? वैसे तो मैं भी यहाँ कमा रही हूँ, मुझे तुम चाहिए है बात। एहसन को उसका बाप चाहिए, मैं अब अकेले नहीं रह सकती। और बात तुम्हारे उन कस्मों और वादों का क्या जो तुमने मुझसे शादी से पहले किए थे, कि तुम जो काम करोगे पाकिस्तान में रह के करोगे, पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। मुझे पता था कि तुम एक दफा बाहर चले गए तो तुम वापस नहीं आओगे, और वही हुआ। मैं गलती बताऊ, बहुत बड़ी गलती बताऊ, ऑब्वियसली आज से पहले कभी बाहर गया नहीं था, लेकिन वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का कंफर्ट, वहाँ की सहूलियात, सबसे बढ़ के वहाँ का पैसा, आई मीन एवन ऑनेस्टली कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये सब छोड़ना चाहे। छोड़ते हैं वो जिन्हें अपने बातों का, अपने प्यारों का ख्याल होता है, उनसे प्यार होता है, लेकिन बात मुझे लगता है तुम्हें इनमें से किसी भी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रहा। एमन तुम्हें जो समझना ना तुम समझो। मैंने जो समझना था समझ गए, और बात तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो,
अगर तुम अब बाहर गए तो मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाए। पागल हो गई हो तुम्हें? मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ और तुम फिर वही फजूल बातें कर रही हो। तो मत जाओ दूर, बात तुम्हें किसने कहा है दूर जाने को? बात तुम्हें यहाँ भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है और मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब है। हम मिलके कमा लेंगे, हम मिलके अपना फ्यूचर ठीक कर लेंगे। यहाँ रिश्ते हैं हमारे, तुम्हारी अम्मी है, मेरी अम्मी है। प्लीज बात मत जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना है वापस। घर तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, शाम को हमें खाने पे बुला रही हैं। आपको अब सबने बहुत मिस किया, खासतौर पर आप ही ने। मम्मी की हर पिक्चर में ना इनका मुंह बना हुआ है। तो तुम ही थोड़ा इंतजार कर लेते, तुमने तो बिल्कुल भी सब्र नहीं किया। अरे बेटा, हम तो जरूर इंतजार कर लेते, बल्कि डेट को आगे बढ़ा देते। इसने बताया ही नहीं कि तुम आ रहे हो। नहीं नहीं आंटी, मैं तो बिल्कुल मजाक कर रहा था, मेरा तो बस अचानक प्रोग्राम बना आने का। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए। अब तो एमन को साथ लेके जाओगे ना? नहीं आंटी, अभी नहीं, जैसे ही वीजे का बंदोबस्त हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह। मैं चाय बना के आती हूं। मैं आपकी मदद कर देता हूं। बेटा, मैं तो समझी थी कि इस दफा तुम एमन को लेने आए हो। आंटी आप ही से कुछ समझाएं कि परेशान ना हो। मैं जब से आया हूँ तब से यही जिद करी है कि मैं वापस आ जाऊँ। नहीं बात, मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। हो सके तो वापस आ जाओ। मैं डरने लगी हूँ एमन की तन्हाई से। मैं उसे दूसरी जुबैदा बनता नहीं देख सकती। फ्लाइट है सुबह मेरी, तुम पूरी रात लैपटॉप पे लगी रहोगी और किसी तरह नाराज रहोगी मुझसे। तो क्या करूं? मूड ठीक करो अपना। जी बेटा, तो मोहब्बत की अपनाइयत की बात करो मुझसे, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा मुस्कुरा ही दो। क्या फायदा है इस झूठी मोहब्बत का, अपनाइयत का? तुम्हारे जाने के बाद मैंने बिल्कुल ऐसे ही हो जाने, जैसे ही रहने दो। ये तो तुम नाशुक्री कर रही हो ना एमन, तुम अपने शोहर को तरक्की करने से रोक रही हो और अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट बन रही हो। मैं नाशुक्री कर रही हूँ? ए बात, तुम क्यों शुक्र नहीं करते कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली है जिससे तुम्हें कोई लालच नहीं है? तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। अपने बच्चे के लिए उसके बाप का साया चाहिए। इबाद ने अकेली नहीं रहना चाहती, मैं हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, अकेली नहीं। मैं मुझे बहस नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। साथ नहीं चलोगी एमन? एमन मैं जा रहा हूं और
तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? तुम नहीं जा रहे हो बात, मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। तुम्हें तुम्हारी जॉब और तरक्की मुबारक हो। क्या बचपन आएंगे फिर से वही बात। तुम्हें अंदाजा है कि जो तुमने अभी बात की है उसका हमारी आने वाली जिंदगी पे क्या असर हो सकता है? अमन बताओ मुझे, किस तरह यकीन दिलाऊं तुम्हें? बताओ मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि आने वाले चंद दिनों में हम फिर से इंशाल्लाह एक साथ होंगे? लेकिन तुम, टैक्सी भी आ गई है और मेरा फोन भी बंद होने वाला है। मैं वहां जाके फोन को चार्ज कर रहा हूं, तुम्हें कॉल कर रहा हूं, इस बारे में हम बात करेंगे एमन। ओके एमन, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मेरा फोन उठा लेना। समझाएं उसको, मम्मी कुछ अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रही है। बेटा तुम परेशान मत हो, हिफाजत से जाओ, मैं उसे समझा दूंगी, वो समझ जाएगी, मुझ पे यकीन रखो। बच्चे की खुशियां एक साथ देखें। मैं अंदर आ जाऊं? देखो एमन, मैं जानती हूं ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम एक बुरे वक्त से गुजर रही हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंसान के हालात उसके अपने हाथों में होते हैं। बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठो ना। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी के लिए बहुत मुश्किल था तुम्हारे अब्बू के पास जाना और उनके पास रहना, लेकिन तुम्हारे पास तो चॉइस है ना, तुम्हारा वीजा आ जाएगा और आएगा तुम्हारा वीजा और तुम इबाद के पास चली जाओगी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ रहते हो तुम दोनों, मगर उसे इस तरह मत जाने दो। वो एयरपोर्ट अकेला गया है,
मेरे बेटे की आंखों में आंसू थे। किसी को नाराज ना सफर पे नहीं भेजना चाहिए। खास अगर कुछ हो गया उसे तो पूरी जिंदगी का पछतावा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। मैंने इतनी मेहनत करके एग्जाम में टॉप किया है और छुट्टियों में पाकिस्तान भी नहीं आ सका। अब रिवॉर्ड मिलने का टाइम आया, तुम मुझे कह रही हो कि मैं जॉब छोड़ दूं? घर आजा, तेनु रबदा वास्ता, मेरी आंखें तकती है रास्ता। बच्चे को सिर्फ माँ की नहीं बाप की भी जरूरत होती है, इसके बारे में सोचे कभी तुमने? लेकिन मजबूरी है ना, मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। किसके लिए कर रहा हूँ? एसन के ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। जाओ बेटा, मैं एसन को देख लूंगी। यहां से ले लेना जल्दी। मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यो परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। वो तुम्हें तस्वीरों से पहचानते, उसने कभी देखा नहीं तुम्हें, महसूस नहीं किया। देखो एमन, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, सब कुछ सह रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। घर आजा, तेनु रब दा वास्ता। वो तुम्हें तस्वीरों से पहचान। मेरा कितना दिल चाहता है कि मैं भी वहां पर मौजूद। तुम क्यों नहीं समझती मेरे सब कुछ है? मैं महसूस नहीं किया। तुम शादी कर लो वहां किसी और। अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो मुझे तलाक। तुम मुझे कह रही हो कि मैं जॉब छोड़ दूं? तुम बता दो कितना और टाइम लगेगा। मैंने इतनी मेहनत करके एग्जाम में टॉप किया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम वापस आओ, तुम फौरन वापस आओ। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ऑनेस्टली अब मैं थकना शुरू हो गया। आंटी, बहुत देर हो गई, लाइट चली गई है। इतना अंधेरा क्यों है? जाए जाके जनरेटर ऑन करें। गए नहीं? कैसे जाता? जिसकी जिंदगी रूठ जाए वो सफर कैसे कर सकता?
लेकिन तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी जॉब, उस सब का क्या होगा? तुम मेरे हर ख्वाब का हिस्सा हो यानी। जब तुम ही नहीं होगी ना, तो ऐसे ख्वाब ना तो मुझे देखने और ना उनकी ताबीर चाहिए मुझे। अब हम जो कुछ भी करेंगे साथ मिलके करेंगे और इस मुल्क में रह के करेंगे। धूप और मिट्टी बर्दाश्त कर लोगे? धूप और मिट्टी क्या, आंधी और तूफान भी बर्दाश्त कर लूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना है हमेशा। दिल ये भूल न पाए तेरी नादानियां, किसके साथ जुड़ी है तेरी दिलदारियां। अपनों की खातिर परदेश में रहने वालों के नाम।